शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सारी बड़े मुअज्ज़ज़ हाज़रीन, मोहतरम वालिदैन, यमन हुंद बड़े सख्त शुक्र गुजार छुस बर कि तई पन्ने कीमती वक्त मंज पन्ने कीमती शडूल मंज कड़ो तई टाइम तु आयो सकूल ये तु वुछान छु आज SLC यह स्टूडेंट लेड कॉन्फ्रेंस युक मेन एजेंडा आसान कि स्टूडेंट ही स्टेजस पे तो पे परफॉर्मेंस या ये तुम हेचमुत आमुक सो कर इजहार सठा शुक्र गुजार अशरफ सब युद यह विजन मिशन कि यलाकस मा डिस्ट्रिक्ट मज बेहतरीन स्कूल कामयाब स्कूल बिल्ड कर तवे तुम वुछान कि अजकिस प्रजेंटेशन मज न सिर्फ साइंस तो मैथस पे आई प्रजेंटेशन दिन बल्कि कंप्यूटर कोडिंगस पे आई प्रजेंटेशन दिन तुम वोचमुत कि मुख्तलिफ बच्चे आये यमो अल्फाबेटिकल ऑर्डर मज आवाज साउंड वनान फोनिक्स ये वनान तमच प्रजेंटेशन कर कहन बच्चन हूं नाव यम मे बड़ बड़ मुअज्ज़ज़ तो बड़ असल दिल छूने वाली जो प्रजेंटेशन थी उसमें मीर आफान क्लास फोर्थ के थे जिन्होंने दिया इकबाल जिन्होंने CCS के ऊपर प्रेजेंटेशन दी थी वो बहुत बेहतरीन प्रेजेंटेशन थी। इसी के साथ साथ कुछ देर पहले हमने देखा हुज़ैफ क्लास फिफ्थ के थे और उससे पहले हमने सुबह से कुछ प्रेजेंटेशन देखी थी जैसे इफ्रा एजाज की देखी थी, बरूद हरवत की देखी थी और इर्तिका तारिक की देखी थी, काशिफा की देखी थी और सादिफा मंजूर की देखी थी। ये कुछ ऐसी प्रेजेंटेशन थी जिनका मेन मकसद इतना ही था जो उन्होंने स्कूल में इस तुमो हेचमुच स्कूल में सुवात नावन तुम तो था अमी मेन यम किरदार निभावन वाल सकूल तो तम तमिक उस्ताद अस पज सी इकवट इन उस्ताद खात बोर्ड राउंड ऑफ क्लैप्स कर बिल्कुल कामयाबी सान पे कि एजुकेशन सिस्टम मज खूसन मज न सिर्फ कोविड की वजह से बल्कि मुख्तलिफ डायमेंशनों से एजुकेशन मेन सेक्टर गसान हमेशा यू ना रुकावटस मज पो कहो वो पे ऑनलाइन या तरन मज बहनान बच्चन तो तमि जरिए पर्नान मगर कम कामयाबी स कम मन तुम स्किल डेवलपमेंट यमो स्कूल वालों बड़ कामयाबी सान इन कहन दोहन मज जाहिर यह अमुक इजहार करो कि न सिर्फ स्कूल बल्कि पर्नान खात होम वर्क तो क्लास वर्क कर खात बल्कि यह मुख्तलिफ तरीकन मज बचन डेवलप कर खान तुम वोचमुत कि प्रेजेंटेशन आज आई दैट्स बियॉन्ड द लर्निंग दैट्स बियॉन्ड यू नो होम वर्क एंड क्लास वर्क ये क्लास वर्क और होम वर्क से आला तर है तभी तो आपके बच्चे आपके सामने आ रहे हैं। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमें बार 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 अपने बच्चों का भी सपोर्ट देना चाहिए, बार बार इस स्कूल का भी सपोर्ट देना चाहिए जहां पे ये चीजें हो रही है। जिस तरह मैंने शुरुआत में कहा इस पर मैं कह वोन कि स्टूडेंट लेड कॉन्फ्रेंस मकसद ही बुनियादी मकसद ही आसान कि स्टूडेंट ये स्टेजस पे या स्टूडेंट कर तम चीज इजहार उस तम हेचमुत आज चाहे पे एज आवाज वो या कंस कोडिंग कर या कंस हार्ट हो यह सोरे बेसिकली यमो यमो बच्चों ये हेचमुत स्कूल में तो इस चीज को हम मद्देनजर रखते हुए आई वॉन्ट यू ऑल टू अंडरस्टैंड एंड सपोर्ट देम। कुछ वालिदैन जिनसे हम इंडिविजुअली अभी तक जो हमने देखे हैं जिनसे हम बात करना चाहेंगे, हम बात करना चाहेंगे मीर आफान और उनके वालिदैन से। हम थोड़ी देर के बाद आपको बुलाएंगे तो एक रूम में आपको आना होगा और वहीं पे हम बात करना चाहेंगे दिया इकबाल और उनके वालिदैन से और हम बात करना चाहते हैं हुज़ैफ क्लास फिफ्थ के जो थे उनसे और उनके वालिदैन से। तो एक एक करके हम आपको बुलाएंगे, उनके टीचर्स आपको बुलाएंगे तो हम थोड़ी जो है फीडबैक आपसे लेना चाहते हैं कि आपको कैसे लगा। इसके बाद भी कुछ और प्रेजेंटेशंस होने वाली है, मैं चाहता हूं कि आप सब लोग यहां पे बैठे एंड बी टिल द एंड ऑफ दिस सेशन आखिर तक बैठे और
इस चीज को ना गहराई से समझ लीजिए। पहली बात जो मैं चाहता हूं आज का जो मैसेज होना चाहिए कि जो यहां पे हो रहा है ये कोई किसी एजेंडा के तहत नहीं हो रहा है, मतलब इसका बेसिक कोई मोटिव नहीं है कि स्कूल कोई और चीज नहीं दिखाना चाहता है। स्कूल दिखाना चाहता है कि उसके खुद के जो स्कूल के बच्चे हैं बियॉन्ड यू नो होमवर्क एंड क्लासवर्क वो क्या क्या कर सकते हैं, वो कैसे एक हार्ट के ऊपर बात कर सकते हैं, वो कैसे क्लासरूम की चीज को आपके सबके सामने दिखा सकते हैं। क्योंकि स्टेज पे आना एक खुद ही एक कामयाबी है। बड़े बड़े झुक जाते हैं, बड़े बड़े थरथराते हैं स्टेज पे आने से, लेकिन छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे इनका कामयाबी का सवाल है और इनकी जो है ना कॉन्फिडेंस का सवाल है। क्योंकि मुझे बार बार ये दिमाग में आ रहा है पता नहीं क्यों, इरादे जिनके पुख्ते हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तला तुम खैज मौजू से वो घबराया नहीं करते, ये जीती जाती मिसाल है। तो आप सबका शुक्रगुजार हूँ तहे दिल से, और मेरी टीम भी यहाँ पे, हम सब मिलके आपके शुक्रगुजार हैं कि आप यहाँ पे आए हैं, इन बच्चों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।